हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आप लोग की डिमांड पर हम विश्व की सभी महत्वपूर्ण जनजातियों की सीरीज ला रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है एस्किमो जनजाति। फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति का हम अर्थ देखेंगे, निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एस्किमो जनजाति की पूरी A to Z तक पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको टॉपिक वीडियो में कवर अप करवा रही हूँ, ये अपने आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। अगर आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, लाइक BEd का है या BTC का है या फिर कोई भी लाइक BA है, कोई भी एग्जाम है, उसमें आप आंसर राइट कर सकते हो। हमने ऐसे वीडियोस लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने पिग्मी जनजाति, बुशमैन जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें सारे स्टूडेंट्स को वो बहुत ही पसंद आई वो सारी वीडियोस, तो उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं और भी आगे जितनी भी विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियाँ, उन सभी के बारे में एक वीडियो तैयार करूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्किमो जनजाति। तो कंटिन्यू करते हैं, एस्किमो जनजाति है क्या और ये कैसे है। तो ये सारी पिक्चर्स जो आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे एस्किमो ट्राइब्स की पिक्चर्स हैं। किसकी है? एस्किमो ट्राइब्स की पिक्चरें हैं। तो फ्रेंड्स, आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है रेंडियर। ये क्या है? रेंडियर ये एस्किमो जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवारी है, जिसके थ्रू ये लोग अपना शिकार करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाने में इनका ये हेल्प करता है। तो रेंडियर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर होता है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक पिग्मी जनजाति का बैठा हुआ है, ठीक है, ये पिग्मी जनजाति का पर्सन है। वहीं पे आप सेकंड पिक्चर में देखोगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक, ये सारे के सारे एस्किमो जनजाति के लोग हैं, जिसमें आप दो हाथ इसके देखोगे, एक हाथ में इन्होंने स्केटिंग बोर्ड लेके रखा हुआ है और एक हाथ में इन्होंने तीर टाइप में कुछ लेके रखा है, जिसमें इन्होंने मछली ऊपर टांग के रखा है, ठीक है। तो ये मछली से हमें इस पिक्चर से ये सीख मिलती है कि जो एस्किमो जनजाति लोग हैं, ये लोग अपना भोजन किस पे निर्भर होते हैं, इनका खाना पीना जो भी होता है मछलियों पे ऑलमोस्ट निर्भर होता है, ये लोग शिकार पे ही डिपेंड होते हैं और कच्चा मांस खाने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये लोग अगर मछलियां पकड़ते हैं तो मछलियां कहाँ पाई जाएंगी? ऑब्वियसली पानी में ही पाई जाएगी, और पानी वो भी ये लोग आर्कटिक क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ पोल के पास में आसपास में ये लोग रहते हैं, तो वहां पे तालाब या नदी तो बहेगी नहीं, सब बर्फ से जमी रहेगी, तो ऑब्वियसली ये लोग तटीय क्षेत्र में रहेंगे, समुद्र के किनारे के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, ये बर्फ का बना हुआ गोल गोल जो घर है, इसे कहते हैं इग्लू, और इग्लू के अंदर कुछ इस टाइप में दिखता है, तो ऐसे इग्लू के अंदर रहते हैं। अब बात करेंगे कि ये सब क्या है, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में पता करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है और ये लोग कैसे इसके अंदर रहते हैं। ऑलरेडी एक तो बर्फ का घर, वहां पे खुद ही इतनी ठंड रहती है, फिर भी ये लोग बर्फ का घर बनाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हम आने वाले कंटिन्यू वीडियो में देखेंगे, ओके। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो इन्हें हम एस्किमो ट्राइब्स कहते हैं, यानी कि एस्किमो जनजाति। तो फ्रेंड्स, अब लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है एस्किमो ट्राइब्स का। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये लोग नॉर्थ पोल के क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नॉर्थ पोल के क्षेत्र में रहते हैं। आप ऊपर वाली जो पिक्चर देखेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का अपर साइड, ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न पार्ट वाला, वहां पे आप यहाँ पे ये डार्क ब्राउन कलर में देखेंगे, तो इन सभी क्षेत्र में एस्किमो ट्राइब्स लोकेट करती है। मैंने आपको बताया कि ये लोग अपने शिकार पे या मछलियों पे डिपेंड करते हैं, इनका खाना पीना जो होता है मछलियों पे होता है, तो मछलियां कहाँ मिलेंगी? समुद्र के किनारे मिलेंगी, ठीक है, समुद्र में मिलेंगी, तो ये लोग समुद्र के किनारे ही रहते हैं ताकि इनको पानी पीने की और बाकी जीव जंतु की शिकार करने में और लाइफ सर्वाइव करने में आसानी हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये लोकेशन समझ में आया होगा जो कि एस्किमो ट्राइब्स का है। यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, जो ऐसे आपको लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, या जहाँ पे मैं ये पेन चला रही हूँ, इन सभी क्षेत्र में एस्किमो ट्राइब्स निवास करती हैं। जैसे आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये लोग कोस्टल एरियाज में ही रह रहे हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे तो ये है रशिया वाला पार्ट, रशिया के इस पार्ट में एस्किमो ट्राइब्स निवास करती है। तो अब हम ग्लोब में देख लेते हैं कि ये लोग किस पार्ट में लोकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आप देखोगे ये येलो वाला जो थोड़ा लाइट कलर से पार्ट्स हैं, और ये कुछ जगहों के नाम लिखे हुए, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड के ये कुछ पार्ट्स में रहते हैं। तो इन सभी पार्ट्स में एस्किमो ट्राइब्स पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी।
जनजाति। बात करते हैं, संसार की बहुत सी जातियां अपनी पुरानी और रूढ़िवादी प्रथाओं को छोड़कर तो नए मार्ग की तरफ निकल चुकी हैं। हम ही लोग को देख लीजिए, हम लोग कितने आगे निकल गए हैं। अगर हम अपने पूर्वज को देखें या अपने गार्जियंस को देखें, तो शायद हमारे दादा दादी इतने अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड में एसी या फिर फ्रिज इन सब का इस्तेमाल नहीं करते थे। हम दिन का दिन अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट्स बदल रहे हैं, ठीक है, हम नए सोच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नए जीवन की तरफ, या नए नए रिसर्च कर रहे हैं, न्यू एक इनोवेटिव दुनिया में या इनोवेटिव आइडियाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वही हम बात करते हैं, जो जनजातियां हैं ये लोग क्या हैं। हम लोग एक नॉर्मल जातियां जो होती हैं, ये अपनी पुरानी और रूढ़िवादी प्रथाओं को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते। लेकिन दुनिया में ऐसी भी कई जनजातियां हैं, ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने प्राचीन रिवाजों से तनिक भी आगे पीछे नहीं होना चाहते। उनका कहना है कि जो हो रहा है बस वो होता रहे, जैसी उनकी लाइफ है वो बेस्ट है, उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, जितना है उतना है। तो ये सब जनजातियों की सोच होती है, जिसके कारण यहाँ आप देखोगे तो ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और ये लोग एकदम आदिवासी, एक मतलब सब कुछ अपने पे ही निर्भर होते हैं। अपने से ही ये लोग कच्चे मांस या पक्के मांस अपने से शिकार करेंगे, अपने से घर बनाएंगे, अपना रहन सहन वहीं पे अपनी छोटी सी दुनिया में ये लोग खुश रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी स्थान की जलवायु का भी वहां के लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अब देखो, सिर्फ रिवाजों का ही नहीं बल्कि जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप एस्किमो जनजाति की बात करेंगे तो ये लोग नॉर्थन पोल में रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे हमेशा 12 को 12 मास बर्फ जमी रहती है और ठंड रहती है, ठीक है। तो जिसके कारण ठंड की वजह से यार यहाँ पे कई कई महीने होते हैं कि सनलाइट सनरेज पहुंच ही नहीं पाती है, और इन लोग को बस अपनी लाइफ व्यतीत करनी, तो इन लोग की आदत हो जाती है और ये अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं कि इन लोग के जो लाइफ का स्टाइल होता है वो जलवायु पे भी डिपेंड कर जाता है, तो वे लोग उसी के अनुसार अपना रहन सहन और प्रथाओं को ढाल लेते हैं। तो यहाँ हम एस्किमो जनजाति की बात करें तो एस्किमो जनजाति, हमने अभी मैप में देखा था कि इन लोग की लोकेशन क्या है, तो ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के किनारों से मिले हुए कुछ भागों में ऐसी एक प्राचीन जाति निवास करती है जिसे हम एस्किमो बोलते हैं। जो प्यारा सा बच्चा दिख रहा है वो एस्किमो जनजाति का ही बच्चा है, ठीक है। तो इतिहासकारों का मानना है कि इस जाति के पूर्वज चीनी थे। कौन थे? चीनी थे, जो इस भाग में आकर बस गए। आइए अब इस जनजाति से कुछ रोचक तत्व जानते हैं। तो एस्किमो जनजाति यानी कि एस्किमो का मतलब क्या? एस्किमो का मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। वहीं पे एस्किमो जो है इनकी प्रजाति कौन सी? अब प्रजाति क्या होती है? प्रजाति एस्किमो तो समझ में आता है कि एक जनजाति है। फिर उसके बाद प्रजाति, ये प्रजाति इन लोग की प्रजाति मंगोलाइड होती है। अब मैं प्रजाति आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग की इंडिया में कैटेगरीज डिवाइडेड होती है, लाइक जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, ये सारी कैटेगरीज डिवाइडेड होती है। फिर उसके बाद जनरल और ओबीसी एससी एसटी के अंदर भी सब कैटेगरीज डिवाइड होती है, लाइक जनरल में ठाकुर पंडित ये सब लोग आते हैं, वहीं पे ओबीसी के अंदर आते हैं यादव आते हैं, वर्मा आते हैं, सोनकर आते हैं, पाल आते हैं, कुम्हार आते हैं, ये सब लोग आते हैं ओबीसी में। तो इसी तरह सभी जातियों में सब कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं। तो जो ट्राइब्स होते हैं यानी कि जो जनजातियां होती हैं, इनमें भी कई तरह की प्रजातियां डिवाइडेड होती हैं, जिसके वजह से तो इनकी जो प्रजाति है वो कौन सी है? मंगोलाइड है, यानी कि पिताव है। अब जो एस्किमो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं हिंदी भाषा बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या फिर तमिल बोलेंगे या संस्कृत बोलेंगे, बंगाली बंगाली बोलेंगे, या जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी भाषा क्या होती है उसी से डिफाइन होती है। तो उसी तरह जो एस्किमो जनजाति होते हैं ये लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो गाइस ये लोग अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड 65 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में निवास करते हैं। तो ये है लैटिट्यूड, हम आपको बताते हैं कि लैटिट्यूड होता कैसे है। तो ये लेटी हुई जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये सारे के सारे लैटिट्यूड से हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड मैप में आप फोकस करेंगे तो ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, इसके बीच में आता है 65 से लेकर 70 डिग्री का
जो अक्षांश होता है वो इसी के बीच में आता है, तो ये लोग इसी के बीच में निवास करते हैं। यहाँ पे बेहद ठंड होती है गैस, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे बेहद गर्मी होती है, फिर ये 23.5 डिग्री है, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इसके बीच में बेहद गर्मी होती है इस क्षेत्र में, और वहीं पे हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बेहद ठंड होती है जहाँ पे एस्किमो ट्राइब्स निवास करते हैं। तो वहीं पे हमने देख लिया है ये लेटी हुई लाइन यानी कि लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, मैं बस आपको लॉन्गिट्यूड्स भी दिखा देती हूँ। तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये कुछ इस टाइप में, लॉन्गिट्यूड्स यानी कि लंबी लंबी लाइनें। रुकिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सकते हैं ये है लॉन्गिट्यूड्स यानी कि लंबी लंबी लाइनें। तो फ्रेंड्स ये जो लंबी लंबी आपको दिख रही हैं जो लाइनें, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स के ये ऊपर वाला पार्ट, ये मैंने आपको नॉर्थन पार्ट दिखाया हुआ है, तो नॉर्थन पार्ट के ये आप देखोगे तो ये ग्रीन लैंड है। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और ये है रशिया का इधर साइबेरियन पार्ट। तो इन सभी क्षेत्र में एस्किमो जनजाति निवास करती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करके कि ये दोनों कंबाइन करने में कैसे दिखते हैं। ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, दोनों के दोनों खाने खाने दिख रहे हैं ना क्यूब्स में, मतलब कि जो लंबी लंबी है, लॉन्ग लॉन्ग खड़ी 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 है, वो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लंबी लंबी है, ये सब ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो है ऐसे ऐसे ये लैटिट्यूड्स हैं। ओके, आई होप कि आपको ये एस्किमो जनजाति का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो समझ में आया ही होगा। अब आगे देखते हैं, अब बस आपको पढ़ना है, समझ में तो आपको आ गया है होगा, अब आगे बस आपको फोकस करना है और उसको ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है इनका, अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तक तथा टुंड्रा प्रदेशी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे बैफिन द्वीप, हडसन, कनाडा के उत्तरी भाग। हमने मैप में देखा था फ्रेंड्स, अगर आपने मैप नहीं देखा तो आप फिर से स्किप करके आगे साइड जा सकते हैं। एस्किमो उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय छोर तथा इसके पास के द्वीपों, ग्रीनलैंड के तटीय भागों एवं एशिया के सुदूर उत्तरी पूर्वी छोर में निवास करते हैं। धरातल के जिस भाग पर ये लोग रहते हैं वहाँ साधन बहुत ही सीमित होता है गाइस। हम आपको जैसे बताएं कि ये लोग नॉर्थन पार्ट में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल की साइड में रहते हैं, और वहाँ पे बेहद ठंड होती है, बर्फ जमे हुए रहते हैं। ठीक है, जब बर्फ जमे हुए रहते हैं, हर तरफ से सनरेज नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पेड़ पौधे फसल लगाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास ज्यादा तरह के वहाँ पे लोग भी नहीं रहते हैं कि ज्यादा फैसिलिटीज हो, और ना ही तो ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, तो इसलिए इनके पास खाने पीने की रहने की व्यवस्थाएं बहुत ही लिमिटेड होती है, और इन्हें उन्हीं लिमिटेड चीजों में अपना पूरा जीवन इनका निर्भर होता है। ठीक है, तो इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पेड़ पौधे फसल नहीं लगाई जा सकती है, जिसके लिए ये समुद्रों की शरण लेते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था कि ये लोग मछलियों पे, ये जलीय जीवों पे निर्भर रहते हैं, तो इसके कारण ये लोग समुद्र के किनारे में रहते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में इन लोगों के जीवन का ढंग मुख्य रूप से श्वेत लोगों के संपर्क के कारण परिवर्तित हो गया है। अब जैसे हम ही लोग हैं, पहले गांव में रहते थे, देसी तरीके से रहते थे, अब शहर में आए हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। ठीक है, तो हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने लगते हैं। जहाँ हम थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े पहनते थे, अब थोड़ा हाई फाई हम ब्रांड वाले कपड़े देखने लगे हैं। पहले हम लोग को ब्रांड पता भी नहीं था यार, अब तो ब्रांड के कपड़े होने लगे। तो ये सब क्या हो रहा है, हम लोग जैसे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वैसे ही अपने अपनी सोच और अपने रहन सहन के तरीकों को बदल रहे हैं। वैसे ही जो जनजातियां हैं, अधिकांश ये लोग श्वेत लोग यानी कि गोरे लोगों के संपर्क के कारण इनकी लाइफ में भी काफी परिवर्तन हो चुका है। फलस्वरूप श्वेत लोगों के आग्नेयास्त्रों या अन्य औजारों की सुविधा के कारण ये लोग बहुत जल्दी प्रस्तर युग से लौह युग में पहुंच गए हैं। इनकी पोशाकें एवं भोजन परिवर्तित हो गए हैं। यही नहीं, बीमारियों, मादक पदार्थों आदि द्वारा इनकी बहुत हानि हुई है, और अब तो उत्तरी अक्षांशों के बीच
उत्तरी ध्रुव से लगभग 3600 किलोमीटर दूर इनकी एक शुद्ध जाति बची, जिन्हें ध्रुवीय एस्किमो या पोलर एस्किमो कहा जाता है। जो मैंने आपको मेन आपको मैप में दिखाया था ना, ग्लोबल फर्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे तो मैंने ग्लोब मैप में दिखाया था आपको कि वहाँ कुछ गोल गोल क्षेत्र में, जैसे कि आपको कुछ नाम बताए थे मैंने और शेड करके बताया था, तो वहां पे उन्हीं क्षेत्रों में जो प्योर प्योर एस्किमो है वही बची है, जिन्हें हम पोलर एस्किमो यानी कि ध्रुवीय एस्किमो कहते हैं। ठीक है, आपको अगर ये वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे शब्दों को सुने, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट में करें, मैं आपको दोबारा ये टॉपिक समझा दूंगी। ठीक है, तो ग्रीनलैंड का विस्तार कुछ लगभग इतने वर्ग मील है। यहाँ पे हम मैप में बात कर लेते हैं, तो फिर से आप मैप भूल ही गए होंगे, तो हम दोबारा बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पे है ये चीज। तो फ्रेंड्स ये आप देखोगे, ये जो डॉट डॉट पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो क्षेत्र है, ये जो प्योर जनजाति बची है एस्किमो की, ये सिर्फ इसी क्षेत्र में एस्किमो जनजातियां बची हुई है, प्योर एस्किमो जनजाति जहाँ पे अभी श्वेत लोगों का हस्तक्षेप नहीं है। तो इन्हें ध्रुवीय एस्किमो यानी कि पोलर एस्किमो के नाम से भी जाना जाता है। और इनका क्षेत्र ही कितना है, करीब 82 जो भी है 82-73,000 समथिंग। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे ये भी ग्लोब में है, तो ये जगहों के नाम है, साइबेरियन यूपिक नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे साइबेरियन यूपिक है, फिर यूपिक है, उसके बाद इनुपियाट है, इनुवियाडुट है, देन नूनाव्यूट है, नूनाविक है, नूनावुट है, कलालित है, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे प्योर जनजातियां बची हुई, यानी प्योर जनजाति यानी कि प्योर एस्किमो जनजातियां बची हुई हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अब देखते हैं एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। यस फ्रेंड्स, हमने एस्किमो जनजाति का पहले ही हमने देखा है कि इन लोग का पिक्चर्स में हम देख चुके हैं ये लोग कैसे रहते हैं और इग्लू के अंदर रहते हैं। ठीक है, आप इग्लू देखोगे। ऐसे सीमित संभावनाओं वाले क्षेत्रों में यहाँ के निवासियों के साधन जब कभी भी समाप्त होने लगते हैं, तब इन्हें एक साधन से दूसरे स्थान को घूमते रहना पड़ता है। फलस्वरूप अपनी सुविधा के लिए ये बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। अब गर्मियों की बात करें तो ग्रीष्म काल में एस्किमो चमड़े से बने हुए तंबुओं में निवास करते हैं, जिसे 50 से 60 सील मछलियों के चमड़े को एक साथ सिल कर तैयार किया करते हैं, तथा खंभों से बने ढांचे पर फैला देते हैं। इसे ट्यूपिक का नाम दिया जाता है। तो इनका जो घर होता है गर्मियों में उसे ट्यूपिक कहा जाता है। ये हम देखेंगे इग्लू कि इग्लू बाहर से ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो शीतकाल में ये लोग ट्यूपिक को छोड़कर, शीत यानी कि ठंडी में, या ठंडी में बहुत ठंड हो जाती है, तो ये लोग ट्यूपिक घर छोड़कर और भी गर्म निवास बनाते हैं, जिसे जिसकी दीवारें प्रस्तर यानी कि पत्थर की छतें चूने के पत्थर अथवा स्लेट की होती हैं। इसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं। इसके ऊपर ही ग्रीष्म काल में प्रयुक्त तो होने वाले, ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों में जो यूज किए जा रहे थे ये लोग, जिन जानवरों का, मछलियों का चमड़ा यूज कर रहे थे, उस चमड़े के एक तंबू को फैला देते हैं। इसके आंतरिक भाग में भी सील के चमड़े को सिल देते हैं। इस पूरे निवास को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू, जो कि हम नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये सारे इग्लू की पिक्चर्स हैं। तो बर्फ से बने मकान इग्लू या को बहुत थोड़े समय तक ही उपयोग किया जा सकता है, अगर क्योंकि इसके पिघलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे ये है इग्लू। ठीक है, ये क्या है, इग्लू। इग्लू में ये यहाँ से ये इनका एंट्री गेट है, ये एंट्रेंस है। ठीक है, यहाँ से ये लोग अंदर साइड जाते हैं। अब अंदर कैसे जाएंगे, ये लोग ऐसे होके जाते हैं। अब इन लोग का ये ऊपर से ये जो होता है ये स्लीपिंग बेड होता है, ये स्लीपिंग एरिया होती है, और उसके बाद ये लोग यहाँ बैठ के खाना पीना खाते हैं। अब ये जो आपको चादर की तरह जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये लोग चमड़ी की, जो चमड़ी के होते हैं ना, जो सील के चमड़े होते हैं वो काफी गर्म होते हैं, तो उन्हीं चमड़ों को ये लोग यहाँ पे बिछा के आसानी से सोते हैं, जो इनको गर्माहट देता है। अब ये चारों तरफ से बंद नहीं रहता है, इसमें रोशनी के लिए भी खोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पे छोटा सा एक पत्थर हटा दिया जाता है जो इजिली सन रेज देता है, जिसकी वजह से उजाला रहता है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वेंटिलेशन हॉल, तो वेंटिलेशन होल यानी कि यहाँ से हवा आएगी, अंदर की एयर पास होगी, तो अप डाउन होता रहेगा। अब यहाँ पे आप सेकंड पेज सेकंड वही चीज इसको सेकंड इमेज में देख सकते हैं, सेकंड पिक्चर्स में। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये इग्लू है, ठीक है, ये इसका एंट्रेंस है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे ये आप देखोगे कि ये इनका बेड की तरफ थोड़ा उठा हुआ है, तो ये इनका एंट्रेंस एरिया है, और ये थोड़ा सा उठा करके ऊंचा बनाया गया है जो स्लीपिंग एरिया होगा, ठीक है। तो स्लीपिंग प्लेटफॉर्म ये थोड़ा सा ऊपर उठा के होता है, और उसमें ये लोग चमड़े बिछाते हैं। तो ये है लाइटनिंग के लिए, यहाँ से लाइट आती है, उजाला रोशनी रहता है, और ये एयर होल्स है जहाँ से एयर पास होती है। आई होप कि आपको ये इग्लू का जो बनने का तरीका है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी तरीके से हम देखते हैं, तो ये आप रियल में रियल पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं रियल पिक्चर्स में कि ये इग्लू निवासी है। ये देखो आप सेकंड पिक्चर्स में देखोगे तो ये देखो ये यहाँ से एंट्रेंस होता है इनका, यहाँ से ये लोग ऐसे अंदर से घुसते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका उठा हुआ बना हुआ है, और यहीं पे ये लोग सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इसका जो बेड होता है ये चमड़े से बिस्तर बिछाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका इग्लू। अब वस्त्र की बात करते हैं, तो ये आप वस्त्र देख रहे हैं गाइस, यहाँ ठंड बहुत होती है, बेहद सर्दी होती है, जिसकी वजह से ये लोग सॉरी ये लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। तो ये रेंडियर व कैरिबू की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। रेंडियर मैंने आपको पहले ही पिक्चर्स में दिखाया, आप दोबारा देख सकते हैं, ये है रेंडियर, ठीक है। तो ये लोग रेंडियर पिक्चर्स सॉरी रेंडियर या फिर कैरिबू की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। यहाँ के निवासियों के वस्त्र भी बड़े अजीब होते हैं। ये लोग एक ही तरह की पोशाकें पहनते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों एक ही तरह की पोशाक पहनते हैं। इनका जो पोशाक पोशाक यानी कि वस्त्र कपड़े ड्रेस, तो इन लोग का जो ड्रेस होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इनका जो ड्रेस होता है मुख्य रूप से पैजामा और कुर्ता होता है, ठीक है। इनके वस्त्र चमड़े से बने होते हैं, ये कोई सूती या फिर नायलॉन या पॉलिस्टर उन सब चीजों से नहीं बने होते। ये लोग के जो कपड़े होते हैं वो चमड़े के होते हैं। सुई एवं धागे भी मछलियों के चमड़े एवं उनके हड्डियों से बनते हैं। चमड़े तैयार करने का कार्य स्त्रियां करती हैं। पुरुषों एवं स्त्रियां दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं, जिनका उद्देश्य शरीर की ठंड से सुरक्षा है, ना कि दिखावा। जैसे हम लोग क्या करते हैं फैशन, मैं तो नहीं करती हूँ, आप लोग मे भी करते होगे, नहीं थोड़ा बहुत करती हूँ, ठीक है। अब औजार की बात करते हैं, तो यहाँ आप पहले ही देख सकते हैं साइड में औजार ही औजार है। फिर यहाँ फर्स्ट पिक्चर्स में आप देखेंगे तो ये अपने नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसे कायक कहा जाता है। कायक के अंदर बैठ के ये मछली का शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो औजार क्या होते हैं, तो ये लोग अपने तीर कमान और भाले बेल मछलियों की पसलियों को काट कर बनाते हैं। इनके हथियार भी पशुओं की हड्डियों तथा चमड़े से बनते हैं। कुत्तों को हांकने के लिए कोड़े तथा सामान ढोने वाले स्लेज में भी चमड़े एवं हड्डियों का ही उपयोग होता है। अब बात करते हैं इनके भोजन की, तो भोजन मैंने आपको बताया मछली और शिकार पे ही निर्भर होते हैं, बाकी ये लोग कच्चा भोजन ही खाते हैं, कच्चे मांस खाते हैं। ध्रुवीय एस्किमो ग्रीष्म एवं शीतकाल दोनों रीतियों में समान रूप से धरातल एवं समुद्र में शिकार करते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, दोनों मौसम में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। तो ये लोग दोनों मौसम में ही कहाँ पे होते हैं, समुद्र के किनारे ही शिकार करते हैं। शिकार की सफलता पर ही इनका जीवन निर्भर करता है। कुछ भोजन उबाल कर पकाते हैं, जबकि अधिकांश भोजन ये लोग कच्चा ही खा जाते हैं। समुद्र से ये लोग सील, वॉलरस, नारवाल एवं बेलुजा मछलियों का शिकार करते हैं। इनसे न केवल मांस ही, यहाँ तक कि उन्हें इनसे चर्बी चमड़ा भी प्राप्त होता है। तो चमड़े का प्राप्त होना यानी कि चमड़ा और चर्बी, इनसे ये लोग कपड़े और अपने रहने सहने के लिए बिस्तर बिस्तर बना लेते हैं। तो समुद्री जीव आप देखेंगे यहाँ सील, वॉलरस, नारवाल, बेलुजा मछलियां, इन सभी मछलियों का शिकार करते हैं। धरातल पर शिकार द्वारा चिड़िया प्राप्त करते हैं, तो चिड़ियों का भी ये शिकार करते हैं, चिड़िया को भी ये खाने में इस्तेमाल करते हैं। खुले सागर में शिकार के लिए कायक, खुले सागर यानी कि समुद्र में, ठीक है,
ओशियंस में ये लोग शिकार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली उसके बीच में पैदल तो जाएंगे नहीं या तैर के तो शिकार करेंगे नहीं ये मछलियाँ। तो ये लोग की नाव होती है, ये आप देखेंगे कि इतनी प्यारी सी नाव है, ये बीच में होल होता है, इसके बीच में ये बैठ जाते हैं ठीक है। और अपना जो भी होता है वो जिससे मछली पकड़ा जाता है, जैसे आप लास्ट पिक्चर में अभी देखे होंगे, तो वो लोग उसको लेके तीर कमान को लेके बैठ जाते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। तो खुले सागर में शिकार के लिए कायक का उपयोग करते हैं, जो कि लकड़ी के ढांचे पर चमड़े से ढका होने के कारण जल द्वारा सुरक्षित रहता है। इस कायक द्वारा ये लोग वॉलरस एवं अन्य समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं, तो इनका व्यवसाय क्या होता है? जैसे मैंने बताया इनकी लाइफ बहुत सिंपल तो नहीं होती, काफी स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि एक तो इन ये जिस क्षेत्र में है वही काफी स्ट्रगल वाली जगह है ठीक है। वहां पे इतने आसान तरीके से सरवाइव करना इट्स नॉट इजी। तो व्यवसाय क्या होता है? शिकार करना ठीक है। तो शिकार करना किन का शिकार करते हैं? सफेद भालू का, रेंडियर जो मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था, कैरिबो, आर्कटिक लोमड़ी, वेल, सील, वॉलरस, इन सभी का ये लोग शिकार करते हैं। अब शिकार में और भी चीजें देखते हैं, तो शिकार करने का हथियार है इनका हार्पून। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हार्पून है जिसे ये लोग मछली पकड़ते हैं। एक छिद्र से मछली पकड़ने की विधि माओपाक विधि कहलाती है। और वहीं पे जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, ये माओपाक विधि, एक छेद में ही ये लोग अपना हार्पून डालते हैं, हार्पून या फिर ये जो मछली पकड़ने वाली होती है जिसमें खाना डाल दिया जाता है और मछली उसको खाती है तो फंस जाती है जाल में और ये लोग निकाल लेते हैं। और दो छेद विधि से मछली पकड़ना इतुर कहलाता है। क्या कहलाता है? इतुर कहलाता है, जिसमें इतुर पाक सबसे लोकप्रिय है। अब दो छेद से कैसे होता है? एक्चुअली इसमें ये होता है कि एक छेद यहाँ कर देते हैं ठीक है, एक छेद यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ से तीर जब मारते हैं, यहाँ से करते हैं, तो मछली जो होती है वो कुछ इधर से निकलती है ठीक है, इधर से मछली निकलती है, और यहाँ से अगर तीर मारते हैं तो मछली इधर से निकलती है। तो सबसे फेमस इन लोग का जो मछली पकड़ने की विधि है वो इतुर पाक है। क्या है? इतुर पाक। फिर बात करते हैं बसंत काल आखेट का। आखेट को उत्तप कहा जाता है। बसंत कालीन आखेट यानी कि बरसात के टाइम पे जो ये लोग शिकार करते हैं, उस बरसात के टाइम पे शिकार किए हुए को उत्तप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तप। व्हेल के चमड़े से एस्किमो कायक या नाव बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है, ये जो नाव है ये क्या है, इसे कायक बोलते हैं। और ये लोग व्हेल के चमड़े से बनाते हैं, लकड़ी और साथ में इसमें व्हेल का चमड़ा भी यूज करते हैं। परिवहन के साथ, परिवहन के साधन। अब गाइस मैंने आपको बताया कि ये रेंडियर को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो रेंडियर को अपना साधन भी मानते हैं ओके। तो स्लेज गाड़ी यानी कि रेंडियर की मदद से खींचते हैं। अब इनकी विशेषता जान लेते हैं। स्लेज गाड़ी यानी कि रेंडियर की मदद से खींचते हैं। ये लोग रोटी बनाने के लिए अनाज भी नहीं उगा सकते और भीषण सर्दी में भी इन्हें बर्फ के मकान बनाकर रहना पड़ता है। लेकिन इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद इनमें उत्साह, उमंग, उल्लास, इन सब की कमी नहीं होती। ये हमेशा हंसते खेलते रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप साइड में देख सकते हैं कितना क्यूट से बच्चा है, देखिए स्माइल कर रहा है इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ओके। तो एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व विख्यात है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, एस्किमो जनजाति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो ना समझ में आई हो या कोई डाउट हो और पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली आप कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। हालांकि हम जब जनजातियां खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम वो वीडियो बना पाएंगे। तो थैंक यू।